हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपके पर्सन के एनर्जीज के लिए, फॉर्च्यून्स, व्हील एंड फूल। तो एक चीज यहाँ पर जो मैं सेंस कर रही हूँ, इस पर्सन की लाइफ में आपके साथ इस दफा जो भी एक नई शुरुआत हुई है, मतलब दो चार दिन से ही कुछ एनर्जी में ऐसा शिफ्ट आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं कि आपके साथ ये जो भी एक नई बिगनिंग सेंस कर रहे हैं, वहां पर इन्हें लगता है कि आप इनके लिए एक गॉड की तरफ से भेजा गया एक मिरेकल हो, एक ट्रेजर हो, एक अपॉर्चुनिटी हो, एक गुड लक हो इनके लिए। कुछ ऐसा आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया होगा जहां पर ये बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानते हैं गाइस। बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट्स की एनर्जीज हो सकती हैं। आपके सोलमेट्स आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जीज में बने हुए हैं। इनके लिए वो एक कंटेंटमेंट, वो एक सेटिस्फैक्शन सब कुछ महसूस कर रहे होंगे एंड दे आर रियली इन द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स के आप इनकी लाइफ में हो गाइस। आप इनके लिए एक किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, आप इनके लिए वो गुड लक हो जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और चेरिश करते हैं इन सारे मोमेंट्स को। एंड आपने इन्हें कुछ सरप्राइज दिया होगा। जनरली भी अगर आपने इन दिनों इनकी तरफ कुछ सरप्राइजिंग वेज में जाकर किया है गाइस, तो इस एक्ट से या फिर इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आपने इनकी तरफ रीच आउट भी रखा है कि सरप्राइजिंग वेज में अगर आपने रीच आउट रखा था इनकी तरफ, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड दे आर रियली वेरी कंटेंटेड। और आपका जैसा भी बिहेवियर इनकी तरफ आया है, ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ये आपके साथ उस नई बिगनिंग को सेंस कर रहे हैं कि कुछ तो अब तक भी सही नहीं था या फिर कंफ्यूजिंग था। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सोलमेट्स के साथ आपका जो कनेक्शन है या तो नया हो सकता है या फिर अभी अभी आपने एक दूसरे को उस हद तक सोल लेवल्स तक पहचाना है, वरना अब तक भी आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैजुअल वेज में ले रहे थे। अगर ये पर्सन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेंड थे या कॉलीग थे और एक बहुत ही कैजुअल सा कनेक्शन अगर आप लोग इस पर्सन के साथ शेयर करते थे, तो कुछ इन दिनों ऐसा हुआ होगा कि आप इस पर्सन के साथ वो एक कनेक्टिविटी सेंस कर पा रहे होंगे। और इस पर्सन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अब तक ये आपको सीरियसली नहीं लेते थे, अगर ये अब तक भी आपको सिर्फ एक दोस्त की नज़रों से देखते थे या फिर जिस भी तरह का आप लोगों का एक कनेक्शन था, अगर उसी पोजीशन तक आप दोनों का ये जो कनेक्शन है सीमित था, तो आपके पर्सन को एक सडन वेज में आपके लिए वो प्यार फील हुआ है, वो एक रियलाइजेशन इस तरह से महसूस हुई है कि आप कोई ऑर्डिनरी से पर्सन नहीं हो इनकी लाइफ में, आपका एक महत्व है, आप इनके सोलमेट हो, यू नो इनका और आपका सोल लेवल पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है जो एक आम रिश्ता नहीं है, जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, जो तय किया गया है आसमानों पर, यू नो इस तरह का ये रिलेशन आपके साथ महसूस करते होंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब में आप दोनों बने होंगे जहाँ पर लव इज़ इन द एयर। एक नई जान आपके पर्सन इस कनेक्शन में देख रहे हैं, बिल्कुल ही एक फ्रेश एयर यहाँ पर ये ब्रीद कर रहे हैं। इससे पहले कुछ और ही सिनेरियोज रहे होंगे, या तो ये बिजी रहा करते थे या आप बिजी रहा करते थे, आप इनके लिए वो टाइम शायद नहीं दे पाते थे, कुछ कन्फ्यूजन था, इस कनेक्शन को आप दोनों ने ही शायद सीरियसली नहीं लिया था होगा, यू नो ऐसे कुछ भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को काफ़ी सारे लाइट वेज में लेकर चल रहे थे, लेकिन सडनली एनर्जीज का शिफ्ट इस तरह से टर्न कर गया है कि आपके पर्सन अभी या तो आपके साथ कोई एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर बहुत लोगों के लिए नई शुरुआत हो चुकी है
ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो, आप ही वो डायरेक्शन हो जिसकी तरफ ये हमेशा से ही बढ़ना चाहते थे। और जब ये आपको सोल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, इनकी एक अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा गाइस। आपके पर्सन ऑलरेडी अवेकन भी हो सकते हैं यहाँ पर। अगर इनको साइंस, सिंक्रोनिसिटी, इंट्यूशंस ऑलरेडी महसूस होते हैं तो दिस पर्सन नोज दैट कि हु यू आर। आप इनके सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप इनके लिए बनाए गए हो, क्योंकि सोलमेट्स बहुत जल्दी एक दूसरे को पहचान लेते हैं गाइस। वो एक वाइब महसूस हो जाती है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी। और जब जब जैसे ही वो फील आ जाता है आपके अंदर, तो आप जो एक स्पेशल फीलिंग फील करोगे उस पर्सन के लिए, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही सूदिंग वाइब है, बहुत ही सूदिंग फीलिंग है। एक हीलिंग आप सेंस करोगे। उस पर्सन से बेटर पर्सन आपने शायद अब तक भी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो दैट पर्सन इज योर सोलमेट फॉर श्योर। ओके, ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर सिक्स ऑफ वाटर की बनी हुई हैं गाइस। तो यस, आप भी यहाँ पर एक तरह की रिकंसिलेशन देख रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते थे या दूर जा चुके थे, आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ही जीरो या लीस्ट थी, तो इन्होंने कमबैक किया है या फिर आपने इनकी तरफ कमबैक किया है। कुछ तो यहाँ पर रिकंसाइल हुआ है, कुछ तो नया शुरू हुआ है। एंड आप भी इस पर्सन को सोल लेवल्स तक डीपली अंडरस्टैंड करने लगे हो। आप दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली जेल कर रही होंगी इस टाइम फ्रेम में, और जिसके चलते आपको भी वो एक फील, इमोशनल कनेक्टिविटी इस पर्सन के साथ महसूस होता है। इस पर्सन को आप पास्ट लाइफ से जानते हो। आपको भी ये महसूस होता होगा कि दिस पर्सन इज नोन फ्रॉम माई पास्ट लाइफ्स। अगर पिछले जन्मों से इनका और आपका नाता कैरी होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है गाइस, तो ये जन्म हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आया है। और इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें तय होने वाली आप लोगों के लिए। ऐसा अगर आपको एक फील आता है या इंट्यूशन आता है इस पर्सन के लिए कि कुछ तो है, तो यस देर इज़ समथिंग। क्योंकि यहाँ पर मैं म्यूचुअल फीलिंग्स देख रही हूँ। इनकी और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो सिमिलर होंगी, इनका और आपका सोचने का तरीका वो सिमिलर होगा। जितने रेजिस्टेंस में ये रहते हैं, आप भी उसी तरह से एक रेजिस्टेंस शायद रखते होंगे। जितने ये ओपन अप होते हैं, उतने ही आप ओपन अप होते हो। तो एक जो म्यूचुअल तरह की एनर्जी होती है गाइस, उन्हीं को हम सोलमेट्स कहेंगे। इस पर्सन के जैसे आप हैं या फिर आपके जैसे ये पर्सन है, तो समझ लीजिएगा कि यू बोथ आर सोलमेट्स एंड यू बोथ आर बिलोंग्स टू द सेम सोल फैमिली। और अगर आप इस लाइफ टाइम में मिला दिए गए हो, तो आप लोगों का ज़रूर इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ एक पर्पज़ है, और वो पर्पज़ मोस्टली एक तरह की यूनियन में आने को ही लेकर हो सकता है। या फिर इस पर्सन की वजह से आप बहुत सारे अपने लाइफ के ऐसे एरियाज पर एक अचीवर की तरह शाइन करोगे जो इससे पहले आपके लिए मुश्किल था। सबसे पहले तो आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से रिलीज कर पाओगे। इस पर्सन के साथ किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी महसूस नहीं होगी। एक और तरीका ये है इस पर्सन को पहचानने का कि यहाँ पर किसी भी बात को लेकर टॉक्सिसिटी नहीं होती। अगर जिस भी रिलेशनशिप में आप टॉक्सिसिटी देख रहे हो, दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है ना। तो इस पर्सन की वजह से हमेशा ही आपको खुशी मिली है, ये पर्सन हमेशा ही आपके लिए हीलिंग लेकर आते हैं, तो यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट। और ये कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको कभी नाराज नहीं करेंगे। आपके साथ ये ब्यूटिफुली जेल हो सकते हैं हर उस फॉर्म में, जो भी फॉर्म आप इनसे सीख करते हो या फिर आप इनको शो करते हो, ठीक है। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द पेज ऑफ वाटर एनर्जी इज गाइस। एक ड्रीमी एंड फैंटेसाइजिंग यहाँ पर एक शुरुआत हो सकती है, यानी कि आप और ये एक म्यूचुअल फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड में स्टेप इन करने वाले हो, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करोगे या कुछ ऐसे सॉन्ग्स की लिरिक्स आप एक दूसरे की तरफ शेयर कर सकते हो, कि आप दोनों ही उन ख्वाबों को सजाते जा रहे हो।
उन सपनों को देखते जा रहे हो, जो हो सकता है बहुत लोगों के लिए फ्यूचर ड्रीम्स भी हैं कि आप अपना फ्यूचर डिज़ाइन करने वाले हो यहाँ पर इस पर्सन के साथ, या फिर ये आपको बताने वाले हैं कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में, और ये बताते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वहाँ से एक आइडिया ज़रूर देते होंगे आपको कि ये किस तरह से महसूस करते हैं आपके बारे में। और अगर इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि वॉट टाइप ऑफ फीलिंग्स दे फील अबाउट यू, तो आपको भी आइडिया है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। तो अभी ये जो आपका लव है ये एक फैंटेसी में टर्न हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स को देखोगे या कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करोगे जो इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं की, कुछ नया बिल्कुल फ्रेश आप दोनों ही महसूस कर रहे हो, और इसी तरह से एनर्जी आप लोगों की प्रोसेस भी होंगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको एक जो साइन देना चाहता है सोल फैमिली की एनर्जीज में, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो अगर आप अब तक भी खुद को इस कनेक्शन पर लोनली मानते थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं ही ऐसा फील करती हूँ या करता हूँ, इस पर्सन के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते थे, तो एक क्लैरिटी आपको इस तरह से मिल चुकी है या मिलने वाली है कि जिस तरह की फीलिंग्स आप इनके लिए महसूस करते हो उस तरह की ही फीलिंग्स आप इनके अंदर भी देख रहे हो, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आपके फोरफ्रंट पर आ रहा है। या तो आप ट्रांसफॉर्म हुए हो या ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर अपने आप को आपकी तरफ एक तरह से ओपन रख रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, यू नो। तो ये जो एनर्जीज हैं गाइस, दीज आर द रियली वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज। ये जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रही हैं उनके लिए 100% एक नई शुरुआत हो चुकी है, और इस कनेक्शन को आप ब्यूटीफुली अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर, और जहाँ पर भी म्यूचुअल फीलिंग्स रहती हैं गाइस, आप दोनों ही इस कनेक्शन पर उतनी शिद्दत से वर्क करोगे। यू आर नॉट इल, यू आर नॉट अलोन हियर, योर पर्सन इज़ विथ यू, और ये बराबर का एफर्ट रखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे यहाँ पर, और इस कनेक्शन को फ्रूएशन तक पहुँचाएंगे, कंप्लीशन की तरफ पहुँचाएंगे, आपका साथ देंगे। तो इस तरह की एनर्जीज आप लोग सेंस कर रहे होंगे गाइस। तो बहुत लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, तो ज़रूर ये आप लोगों का शिफ्ट है गाइस। इस पर्सन की डीप थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या कहती हैं, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में एक्सटेंडेड वर्जन के साथ जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।